वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारे चैनल पर कॉलेज रिव्यूज़ की जो शॉर्ट वीडियोस है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, और ऑलरेडी चैनल पर 4 से 5 वीडियो कॉलेज रिव्यूज़ की अपलोड कर दी गई है। तो आप भी अगर एक सेपरेट कॉलेज के कॉलेज रिव्यूज़ की शॉर्ट वीडियो पाना चाहते हैं जिसमें आपको उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 की, 2019 की जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है कैटेगरी वाइज वो क्या रही थी, टोटल MBBS सीट्स और उसकी पूरे सेमेस्टर वाइज फीस कितनी है, उसके बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी एक 4 से 5 मिनट की वीडियो में। तो किस कॉलेज की आप वीडियो पाना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड जो कॉलेज रिव्यूज़ की वीडियोस जो है वो आप सभी को मिलती रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं एम्स दिल्ली के MBBS एडमिशन 2020 की, नीट 2020 में की एग्ज़ाम अगर इजी, मॉडरेट टू हार्ड तीनों कंडीशंस की रहती है तो उस कंडीशन में कैटेगरी वाइज नीट 2020 की एम्स की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं फ्रेंड्स। ऐसा कि आप सभी को पता है कि एम्स में एडमिशन लेना सभी स्टूडेंट्स का एक सपना होता है। इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस की लिस्ट में तो एम्स आता ही है, साथ ही साथ जो एशिया के टॉप 5 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट में भी एम्स दिल्ली को रखा गया है। ये टॉप का मेडिकल कॉलेज होने के कारण इसकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, लेकिन अब की बार एम्स एंड जिपमर नीट में इंक्लूड होने के बाद इसकी जो कट ऑफ है वो डिक्रीज जाने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर आपका नीट का पेपर ईजी रहता है, मॉडरेट रहता है या फिर हार्ड रहता है, तो तीनों ही कंडीशन में आपकी कैटेगरी वाइज एम्स की कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में टोटल हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि आपका अगर पेपर इजी रहता है तो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो 680 से 685 यानी कि 680 से 685 के बीच रह सकती है। उसी बीच अगर OBC की बात करें तो 672-675 यानी कि 670 से 675 के बीच आपकी कट ऑफ जो है वो रह सकती है पेपर ईजी होने पर। अगर ST की बात करें तो 645, ST की बात करें तो 630, अनरिजर्व फिजिकल हैंडीकैप 599 एंड OBC फिजिकल हैंडीकैप 580 के बीच आपकी जो कट ऑफ है वो रह सकती है। उसी बीच अगर बात की जाए कि अगर आपका पेपर नीट का 2020 का पेपर मॉडरेट रहता है, ठीक है, तो क्या होगा उस सिचुएशन में, तो अनरिजर्व कैटेगरी की 675-678, OBC की 665-667, ST की 635-640, ST की 628-630, रिजर्व फिजिकल हैंडीकैप की 575 के अराउंड, OBC की फिजिकल हैंडीकैप की 570 के अराउंड आपकी कट ऑफ जो है वो रह सकती है नीट 2020 की एम्स की। ठीक है, आगे अगर बात करें कट ऑफ मार्क्स हार्ड की, अगर आपका मतलब नीट का पेपर हार्ड रहता है, नीट 2020 का पेपर हार्ड रहता है, तो उस कंडीशन में अनरिजर्व कैटेगरी का आपकी 668-670 के अराउंड, OBC की 660-665 के अराउंड, ST की 630-635, ST की 610-620, अनरिजर्व फिजिकल हैंडीकैप की 580 के अराउंड एंड OBC फिजिकल हैंडीकैप की 575 के अराउंड जो कि आपकी कट ऑफ है एम्स दिल्ली 2020 की नीट की कट ऑफ जो है वो रह सकती है। बाकी ये पूरा का पूरा एनालिसिस था एम्स में एडमिशन्स लेने को लेकर। ऐसी ही कॉलेज रिव्यूज़ की वीडियो आगे भी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है, आपको किस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, किस कॉलेज पर आपको कॉलेज रिव्यू चाहिए, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि जैसे ही उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अदर इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।